क्या आपको पता है आमिर खान फना मूवी के टाइम पर बहुत बड़ी मुसीबत में गिर गए थे। तो हुआ था कुछ ऐसे कि 2006 में जब आमिर की फिल्म फना रिलीज होने वाली थी, तब उसके कुछ ही दिनों पहले आमिर ने नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाने का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। डैम के कंस्ट्रक्शन को लेकर आमिर का ये कहना था कि गुजरात गवर्नमेंट को डैम की हाइट बढ़ाते वक्त डैम के आसपास बसे हुए लोगों का रहने का बंदोबस्त करना चाहिए। अब ये बात गुजरात गवर्नमेंट और उसके सपोर्टर्स को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से बीजेपी ने गुजरात में आमिर के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और आमिर की फिल्म फना को गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया। बाद में आमिर से बहुत से लोगों ने माफी मांगने कहा, लेकिन आमिर ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। आमिर ने कहा कि अगर मेरी फिल्म गुजरात में रिलीज नहीं होगी तो हमें कुछ करोड़ का नुकसान जरूर होगा, लेकिन ये पैसे डैम के आसपास बसे हुए लोगों की जिंदगी से ज्यादा नहीं है। तो फाइनली फना को गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया गया, मगर फिर भी फना मूवी ने काफी अच्छा बिजनेस कर दिखाया था और एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी।